हेलो, कैसे हो आप सब? तो ये देखिए, आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। हाँ, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, क्योंकि बच्चों की ना छुट्टियाँ हो गई सारी की सारी। तो बच्चे ना बोल रहे थे कि हमें छुट्टियों में जाना है कहीं पे घूमने, तो हम कहीं नहीं जा पाए क्योंकि समीक्षा की होती है ट्यूशन, और हम लोग नहीं जा पाए। और ये देखो, यहाँ पे पीछे का देखो व्यू कितना सुंदर है, रास्ता है ना। अभी मेरी बहन आ रही है तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाया जाए आप लोगों को। तो चलिए दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे। तो ये देखो, ये वाला जो ये देखो, ये ना बहुत ख़तरनाक यहाँ का जो क्या बोल सकते हो आप, सड़क है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा खतरनाक रोड है यहाँ का ये हमारा। ये देखो, और ट्रैफिक देख सकते हो आप कितना यहाँ। और आज संडे है ना, तो लोग घूमने जा रहे हैं यहाँ पे ना। और ये देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, ये जो गवर्नमेंट ने ना ये देखो ये लगाए हुए हैं, पर यहाँ पे ना पिछले हफ्ते एक एक्सीडेंट हुआ तो वो इसको तोड़। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो समर्थ और समर्थ के डैडी खड़े हैं। और ये है रास्ते का व्यू, तो मैं आपको थोड़ा सा रास्ते का व्यू भी दिखाऊंगी। और ये देखो जंगल जंगल, और बाकी मैं आपको बॉम्बे भी। और देखो आ रही है गाड़ी मेरी बहन की, आ गई वो भी। आ रही समीक्षा। हेलो हेलो। तो ना कहाँ पे जा रहे हो आप बताओ आज? बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। हाँ समीक्षा, यस। समीक्षा की हो गई सारी छुट्टियाँ, और इसको तो वैसे तो ट्यूशन जाती है, लेकिन समर्थ भी बोल रहा था कि हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए। तो ये देखो समीक्षा बोल रही थी आज घूमने जाओ, और आज संडे है तो छुट्टी भी है। इधर बोलो आप। मैं क्या बोलूँ। हाँ, तो अभी हम लोग जाएंगे BPS, और थोड़ा सा आपको ना व्यू भी दिखाऊंगी मैं रोड का। ये देखिए रास्ते का व्यू, और आजकल बरसात है ना, तो हरा भरा ही है सब कुछ यहाँ पे। और आम के पेड़ देखो, बहुत ज़्यादा आम होते हैं इस पे। अभी तो आम ख़त्म हो गए, और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो आज तो मैं आपको रोड का व्यू ही दिखाऊंगी। ये देखो आप, सुंदर सुंदर सा व्यू। और एक मोड़ ये है, ये भी खतरनाक है। यहाँ पे भी इतना खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं ना, मतलब ज़्यादा यहाँ पे ना बाहर की गाड़ियों के होते हैं, है ना, क्योंकि हिमाचल के लोगों को तो पता है यहाँ के रोड का, लेकिन जो बाहर से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इतना मतलब खतरनाक जगह है ये। और ये देखो आम के पेड़। ये है नेचुरल व्यू, तो आनंद लीजिए आप मेरी वीडियो का। और ये देखो हरा भरा। और यहाँ पे है ये होटल देखिए, और हाँ कोहिनूर होटल। ये देखो रोड इतने खतरनाक हैं हिमाचल के, बीच बीच का तो मैंने आपको दिखाया नहीं, जो कि इतने खतरनाक, मैंने शूट नहीं कर पाई वहाँ से। तो ये देखो, और आजकल ना सावन महीना चला हुआ है ना, तो लोग यहाँ पे बहुत सारे जो मंदिर हैं वहाँ पे आते हैं। और मतलब ये रोड ना बिजी रहता है हमेशा ही, क्योंकि ये जाता है पंजाब को और बाकी स्टेट को भी जाता है। हाँ चंडीगढ़ दिल्ली, तो ये वहाँ पे जा रहा है रोड। और ये देखो अभी हम लोग पहुँचने काफ़ी दूर है अभी तो, हमें है ना दूर है ना। तो ये आज मैं आपको ना रोड ही दिखाऊंगी हिमाचल के। और ये देखो यहाँ पे मिलता है लकड़ी का सामान, कितने अच्छा अच्छा बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे, लेकिन महंगा बहुत होता है ये। एक यहाँ पे भी है बैंत की चीज़ें, लकड़ी का बैग भी है। हाँ तो ये लकड़ी का सामान मिलता है।
अलग चीज़ें मिलती हैं। ये देखो यहाँ पे भी है, ये देखो ये देखो ये लकड़ी का सामान यहाँ पे ही है, चार पांच दुकानें ना तो बहुत मिलता है यहाँ पे, लेकिन महंगा बहुत है। हाँ तो ये बेंत की लकड़ी होती है ना, उसका बना होता है। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि आज कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि आज था संडे और साथ में है सावन महीना, तो यहाँ पे हमारे मंदिर है ना, तो लोग बाहर से बहुत सारे माथा टेकने आते हैं और घूमने भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि रुके हुए थे, और यहाँ पे ना लंगर भी बहुत लगते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जलजीरा और साथ में ये ना आम पन्ना, इसका लंगर लगा हुआ था। तो समर्थ बोल रहा था कि मम्मा मुझे लेना है ये, तो उन्होंने ना हमें ये दिया। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और आप मौसम देख सकते हो कितना अच्छा है, ठंडा सा। और ये रास्ते में पड़ता है हमारे माता सप्तदेवी का मंदिर, तो सात माताएं जो हैं वो उनका मंदिर, तो हमने सोचा अभी जाएं तो माथा टेक लेते हैं। और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, तो हमने सोचा कि माता के मंदिर जाना है, लेकिन रास्ते में नहीं पता चला, सोचा कि माथा भी टेक लेते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था आज, और रात्रि को, लेकिन आज नहीं था, तो हम लोगों ने माथा बड़े आराम से यहाँ पे टेका। और ये देखिए जो लोग अलग अलग मंदिर में नहीं जा सकते वो यहाँ पे सारी माताओं के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी ही माताओं की मूर्ति है, जैसे ज्वाला जी, कांगड़ा देवी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये देखिए माता काली की मूर्ति भी है यहाँ पे। लोग भी दर्शन कीजिए। और ये देखिए माता चामुंडा की भी मूर्ति है यहाँ पे, ये कांगड़ा देवी, चिंतपूर्णी और वैष्णो देवी, सारी ही माताओं की जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, तो हम लोगों ने एक साथ ही यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फ़ोटो बनी हुई थी, जो माता सती हैं जो हवन कुंड में जल गई थी, तो ये देखिए उनकी मूर्ति जो भगवान शिव उनको उठा के लेके गए थे, तो जहाँ जहाँ पे उनके अंग गिरे थे वहाँ वहाँ पे जो है वो शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो ये देखो आप देख सकते हो भगवान शिव की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, और सारी यहाँ पे जो है इनकी कथा भी लिखी हुई थी, तो मैंने वो सारा कैप्चर तो नहीं किया, लेकिन ये देखिए आपको मैं वो फोटो दिखा रही हूँ। दीदी तो मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हम लोग बॉम्बे पिकनिक स्पॉट कैसे पहुंचे, और वहां का भी व्यू दिखाऊंगी, नज़ारा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।